नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। गाजीपुर में भारत बंद का असर सड़कों पर देखने को मिला। विपक्षी दलों के साथ राज्य कर्मचारी संगठनों ने भी जुलूस निकालकर सरकार की वर्तमान नीतियों का विरोध किया। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष अंबिका दुबे ने प्रदर्शन के दौरान बताया कि केंद्रीय श्रम संगठनों और प्रादेशिक संगठनों के आह्वान पर गाजीपुर में संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद के संगठनों के लगभग 125 विभागीय कर्मियों ने सड़क पर निकलकर विरोध दर्शाया है। इसमें हम लोगों ने हमारी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली, न्यूनतम वेतन 21,000 देने की बात है और जो भी कर्मचारी हितों में संशोधन किए गए हैं उसे बदलने की मांगें सम्मिलित हैं। गाजीपुर में लगभग 125 विभाग के कर्मचारियों ने इस एक दिवसीय हड़ताल में हिस्सा लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और उन केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पे और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के हमारे पंक्ति नेतृत्व के निर्देश पे आज हम लोग 16 सूत्री मांगों की समर्थन देने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। जो हमारी सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन है, न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए देने की बात है, केंद्रीय श्रम संगठनों में जो बदलाव लाए गए हैं उनको चेंज करने की बात है। इसी बातों को लेकर के हम लोग केंद्रीय श्रम संगठन द्वारा, केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा प्रायोजित आज की एक दिन की हड़ताल को पूरी तरह से समर्थन देने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबद्ध लगभग 125 विभाग गाजीपुर के, उनके हमारे सारे प्रतिनिधि आज गाजीपुर जनपद में हमारे साथ यहाँ पे हमारे तक जुलूस हमारे साथ चल के यहाँ पे आए।